सामने जो ये पुल है धारी देवी से आगे केदारनाथ की ओर जो जा रहे हैं हम, तो सामने बहुत सुंदर पुल, बहुत ही भव्य यह पुल जो है, बहुत ही बड़ी, तो ये पुल का निर्माण हो रहा है, बहुत विशाल पुल बन रही है और पुरानी पुल नीचे सामने है, तो विशाल का ये पुल का निर्माण हो रहा है धारी देवी से आगे केदारनाथ को जाने वाले रास्ते में। बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान है। तो सामने जो ये रोड है ये उबड़ खाबड़ हो रखी है क्योंकि रोड में काम भी चल रहा है आजकल, और अभी यहाँ पर एक पुल का निर्माण भी हो रहा है सामने, तो उस वजह से यहाँ पर कुछ उबड़ खाबड़ रोड है और यहाँ पर जो चल रहा है ये रोड का काम चल रहा है। तो यहाँ पर प्लांट भी लगा हुआ है नीचे, तो यहीं से पुल का काम हो रहा है, ये बड़ी बड़ी मशीन है। तो हमको डाउन आ जाना है। सामने जो केदारनाथ है 89 किलोमीटर और गुप्त काशी 42 किलोमीटर, बद्रीनाथ 157 किलोमीटर, जोशीमठ 113 किलोमीटर यहाँ से है। अभी इसी रूट से हम केदारनाथ की ओर जा रहे हैं और गाड़ियों की जो कतारें हैं बहुत सी गाड़ियाँ तो सामने, और अब हम ये इस पुल को पार करेंगे कुछ ही क्षणों में। तो अभी हमारी गाड़ी रुकी हुई है और कुछ चेकिंग हो रही है कि जांच हो रही है कि रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो अभी हमारी तो रजिस्ट्रेशन किया है और दो दिन के लिए आजकल सब ब्लॉगर है, यात्रा स्थगित रहेगी और उसके बाद हम जाएंगे और आगे का सफर तय करेंगे। तो अभी हमारी भी जानकारी ली जा रही कि ये है कौन, तो हम हैं भास्कर नंद जोशी ब्लॉगर। तो अभी ये भी ज़रूरी है, आजकल हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए सभी लोगों को। तो अभी फिर जो हमारी रजिस्ट्रेशन की फाइल है उसको दिखाने के लिए हमारे जीजा जी सामने गए हैं, और अभी एक पुलिस वालों ने यहाँ पर जांच की, अभी उनके इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे भी वो जांच करवाएंगे उसकी, उसके बाद हमें आगे जाने की अनुमति मिलेगी। तो गए हैं जिया जी, तो कुछ ही क्षणों में वो आएंगे। तो सामने जो हो रहे हैं आज यहाँ पर चेकिंग हो रही है कि रजिस्ट्रेशन है या नहीं है लोगों के, क्योंकि बहुत से लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से उनको वापस भेजा भी जा रहा है यहाँ से। तो दोस्तों अब हमारे बच्चे हमारे लिए लाए हैं हिंगोली स्वाद के लिए, ये खाना चाहिए। कहाँ से? अहमदाबाद से आए हैं क्या? ये हल्द्वानी से लिए गए हैं और हमारे जीजा जी को भी बहुत पसंद है। तो जीजा जी आप भी खाएंगे? ना ना अभी आज नहीं खाएंगे। अच्छा जीजा जी नहीं खाएंगे, तो हम तो खा ही लेते हैं क्योंकि स्वास्थ्य, ये देखिए बहुत सुंदर चटकारा स्वाद लेते हुए। वाह, तो हमारे दद्दा पीछे से करें, हमें भी खिलाइए। तो लीजिए। तो बच्चे कुछ गपशप मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कुछ सुनाओगे? गाना आता नहीं। आप अभी हमने अपने हाथी दोस्त हैं डॉक्टर हाथी, उनसे गाने में बातें हुई तो वो कह रहे थे जाम लग रिया है, जाम लग रिया है। तो हमने कहा जल्दी आ जाओ। तो दोस्तों डॉक्टर साहब आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। जाम नहीं लग रहा डॉक्टर साहब। अभी चलते हैं, अभी थोड़ी देर में अभी हाथी अंकल आ जाएंगे। ये हाथी अंकल जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद हम आगे का सफर तय करेंगे। क्यों जिया जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हमारे जिया जी भी बिल्कुल कह रहे हैं कि उन्हीं का इंतजार हो रहा, हाथी अंकल का। बिल्कुल। हाथी जी अपनी फैमिली के साथ है, गजराज कहते हैं उन्हें वैसे। तो गजराज जी पहुंचेंगे तो हम उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। और हमारी बहना पीछे से कुछ बोल नहीं रही, पता नहीं नाराज क्यों है। इंतजार ही कर रहे हैं आज बहुत समय उन्होंने इंतजार करवा दिया हाथी जी ने। तो अभी हम
इंतजारी पे रुके हैं। अभी हमारे साथ जो डॉक्टर हाथी साहब हैं अभी वो पहुंचे हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने रूट दूसरा पकड़ लिया है। तो सामने जो ये ऊंचा पहाड़ है इसमें तो यहाँ गांव के बच्चे पैदल मार्ग से जा रहे हैं क्योंकि सामने दिख रहे हैं, और यहाँ जो इनको चलना होता है बहुत ज्यादा। अरे बच्चों यहाँ रुके क्यों हो आप लोग? कौन नहीं आए? अच्छा अभी हाथी अंकल नहीं पहुँचने की वजह से रुके हैं। तो यहाँ के वो देखो नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, कितने दूर। हाँ क्या पूछ रही है ना? ये प्रोजेक्ट के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन ये अच्छा अच्छा क्रेशर मशीन है। तो प्रोजेक्ट का कोई पता नहीं चल पाया? मेरे ख्याल से रेत बनती है। हाँ रेत बनती है, और वो कहाँ खो गए हाथी जी? वो चाय समोसे के पास में पाए जाएंगे। अच्छा समोसा खाते हुए पाए जाएंगे। आप पहुँचे हैं बहुत देर बाद। तो डॉक्टर साहब आप कहाँ थे अभी तक? अभी तो हम वहाँ जा रहे आ रहे थे वापस। कहाँ? तो डॉक्टर साहब ने बहुत समय लिया हंसराज जी ने, और ये बच्चे। बच्चों कैसा रहा सफर आज का? तो डॉक्टर साहब पहुंचे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाई दे कहाँ दिखाई देगा आप? हाँ वही हाथी की चाल तो सीधी होती है, कोई गलत होती है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इसकी वजह से यहाँ जाम लग जा रहा है। तो एक्सीडेंट हुआ है और सामने सीधी रोड है। गाड़ी का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर, और पहाड़ों में भी बादल भी दिख रहे हैं, कोहरा बर्फबारी है लगा हुआ, और पहाड़ों में बर्फबारी भी हुई है। तो अभी हम जो पहुंचे हैं केदारनाथ 54 किलोमीटर, फाटा 20 किलोमीटर, और गुप्तकाशी 8 किलोमीटर। अद्भुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, और जो वहाँ बिल्डिंग है बहुत ही अच्छी दिख रही है। का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और अभी कुछ जाम लगा हुआ है इसलिए हम रुके हैं यहाँ पर। तो अब कुछ ही समय हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी हम काली मठ के समीप पहुंचे हैं। तो केदारनाथ 47 किलोमीटर, गौरीकुंड 33 किलोमीटर, जो देवी काली की उपासना काली मठ से कुछ आगे की ओर जा रहे हैं। हमने केदारनाथ से लौटते हुए बहुत से श्रद्धालु सामने का जो नजारा है वो भी बहुत ही सुंदर नजारा, फिर बूंदाबांदी होने लगी है। तो अभी हम जो पहुंचे हैं माँ कात्यायनी डोलिया देवी खाट के मंदिर के समीप। तो बहुत ही सुंदर जगह है, और इस समय जो बारिश हो रही है वो भी अति सुंदर तेजी से। पहुंचे फाटा में। फाटा में अब हम अपने जो कमरे किए हैं वहां जा रहे हैं कुछ ही समय में। तो फाटा का बहुत ही अच्छा दृश्य है, तो यहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत है। तो हमारी गाड़ी पहुँच गई, तो दीदी लोग भी आ गए हैं। तो ये पहुँच गए हैं फाटा में। और जिया जी कैसा लग रहा है फाटा में पहुँच गए? तो भांजी कैसा लगा आपको? तो भांजी भी आ गए हैं, और अब हम अपने रूम में जाएंगे कुछ ही क्षणों में। सामने हमारी दीक्षा भी आ गई है। बेटा कैसा रहा सफ़र? तो बहुत ही सुंदर सफ़र रहा। तो अभी हम फाटा में पहुंचे हैं, और यहाँ यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही लाजवाब और बहुत खूबसूरत स्थान। और हमारे जो बच्चे हैं वो तो यहाँ सामने ऊपर से आवाज़ लगा रहे हैं, आप बहुत जाते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब भी अपनी गाड़ी से उतर गए हैं। तो यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर, और यहाँ से जो सोनप्रयाग है वो है 13 किलोमीटर, और गौरीकुंड 19 किलोमीटर, और केदारनाथ 35 किलोमीटर। तो दोस्तों शाम का समय है, बहुत ही दिव्य, और इस समय संध्या के समय है फाटा में। तो यहाँ का नज़ारा कुछ खास, और गाड़ियों की जो
कतारें हैं वो देखी जा सकती हैं। तो सामने हमारे बच्चे बैठे हैं खाने के लिए, और यहाँ तो आपने क्या लिया? खाने में मस्त है, और इन्होंने भी खा लिया बेटा। आपने खा लिया? अच्छा, और आप घूमने गए थे, कुछ लाए हमारे लिए? कुछ नहीं लाए, बच्चों के लिए ग्लव्स लाए। ग्लव्स देखो, सब बच्चों के लिए ग्लव्स लाए। और जिया जी, आप हमारे लिए क्या लाए? आपके लिए क्या लाना था? टमाटर और पनीर मिक्स है इसमें, मिक्स है, और टमाटर ये रहेगा, चटपटा चटपटा, और इसमें वो शाही पनीर, पनीर टिक्का सब बना रहे हो ना, वो भी अलग से? जी सर, शाही पनीर मिलेगा, वेज कोफ्ता, दम आलू, पंजाबी स्टाइल सब मिलेगा। ये देखो सब हमारा जो वेज कोल्हापुरी पनीर, ये आज तो आनंद आ जाएगा। देखो भिंडी इंडी सब बन रही है, और यहाँ प्लेट लगने लग गए, कुछ समय में अभी खाएंगे। तो अभी हमारे मित्र आए नहीं, अभी कहीं घूमने गए हैं।